बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन साइंस क्लासेस के अंदर। आज का टॉपिक इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले वीडियो में हमने रेस्पिरेशन की बात करी थी और हमने फीसिस के बारे में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी हमारे बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे अंदर एक स्पेशलाइज ऑर्गन होता है जिसके थ्रू हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को करते हैं पूरा, दैट इज नोन एज लंग्स। लंग्स, पेयर ऑफ लंग्स हमारे अंदर होती है सिचुएटेड, और रिब्स के अंडर होती है। जो हमारी रिब्स हैं, रिब्स के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स। और इन्हीं लंग्स का आज के नॉलेज के लिए आपको बता दूं, ये लंग्स आज के टाइम पे हमारे खतरे में है, क्योंकि ये वायरस कहाँ पे अटैक करता है, जो वायरस कोरोना वायरस के बार बार बारे में बात हो रही है, दैट इज अटैक ऑन लंग्स। लंग्स पे अटैक करता है, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई जो प्रेजेंट होती है उनके अंदर एक म्यूकस सिक्रीट करता है ये, और वो म्यूकस भर जाता है, जिसकी वजह से अगर म्यूकस भर जाए, जैसे आपको पानी में मैं डुबो दूँ आपको, तो आपकी जो नेजल चैम्बर्स है या नोज है वो सांस नहीं ले सकती। अब सांस ले पाओगे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, उसी तरीके से लंग्स के अंदर जो गैप है, जो पोर्स है, वो भर जाए म्यूकस से, पानी से भर जाए, तो क्या होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, एक तरीके का नजला या जुकाम भी बोलते हैं हम इनको। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या, आज हम लंग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये लंग्स कहाँ सिचुएटेड होती है, जरा वो देख ले, प्रेजेंट इन साइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होती है, प्रोटेक्टेड बाई रिब्स, जो हड्डियाँ हमारी होती है, रिब्स, मसल्स एंड डायफ्राम। डायफ्राम नीचे की तरफ होता है, सी कट, जहाँ पे आपकी रिब्स एंड हो रही है, वहाँ पे एक डायफ्राम इस तरीके से सी कट में प्रेजेंट होता है। फॉर्म्स दी चेस्ट कैविटी, क्या बनाता है हमारी, ये चेस्ट कैविटी बनाता है, उसको फिलअप करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, फर्स्ट इज कंडक्टिंग पैसेज या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पहला है पैसेज यानी पाथ क्या है, रास्ता क्या है, दूसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाल्व्स। अब हवा जो हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो हम रिस्पायर कर रहे हैं, उसका रास्ता, और दूसरा लंग्स के अंदर ये प्रोसेस कैसे होती है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कंडक्टिंग पैसेज और रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसको समझते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होता है, नेजल कैविटी से। नेजल कैविटी कहने का मतलब क्या हो गया, नोज, नोस्ट्रिल, ये दो नोस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं, अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल इज प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो इनके अंदर जो चैम्बर है, कैविटी, ये जो चैम्बर है यहाँ पे, ये कैविटी कहलाती है, इसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हेयर्स क्या करते हैं, क्लीन करते हैं एयर को जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है। अंदर म्यूकस लेयर भी होती है, म्यूकस लेयर क्या सिक्रीट करती है, लिक्विड सिक्रीट करती है, जो भी डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं उनको वहीं पे होल्ड करती है, और क्लीन एयर हमारे अंदर भेजती है। तो कहने का मतलब एक फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। नंबर टू पे ये जो नेजल कैविटी है, फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है, फेरिंग्स क्या एक पाइप है, या कह लो वेसल है, वेसल के अंदर ओपन होती है फेरिंग्स, ये हो गया, ये दैट इज अ फेरिंग्स, यहाँ से आप अंदर आए फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन है, इसको फूड पाइप और विंड पाइप दोनों बोल सकते हैं आप, फूड के लिए भी और विंड के लिए भी, दोनों का काम करती है, पैसेज का काम करती है। इनके अंदर ग्लोटिस प्रेजेंट होते हैं, ग्लोटिस को एपिग्लोटिस कवर करते हैं। ग्लोटिस क्या है, ये गोलियां सी, यहाँ पे आप हाथ लगाओगे तो यहाँ पे आपको गोलियां सी नजर आएंगी, कई बार आप कुछ ज्यादा चबा लेते हो तो यहाँ स्वेलिंग सी आ जाती है और ये दर्द करने लग जाती है, जिसको आप बाद में आपको दिक्कत ज्यादा देती है। तो ये ग्लोटिस क्या करती है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करती है, विंड पाइप का और फूड पाइप का। तभी कहा जाता है खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ग्लोटिस जब आप बात करते हो तो आपकी विंड पाइप ओपन हो जाती है, खाना फूड पाइप में जाने के बजाय विंड पाइप में चला जाता है, और जिससे आपको खांसी आ जाती है, इसको आप हरियाणवी में आपको बोलते हो, आपको आ जाता है वोमिटिंग टाइप का फीलिंग होती है। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में चलते हैं, फेरिंग्स को फॉलो करता है लैरिंग्स, समंदर की तरफ जा रहे, दैट इज अ लैरिंग्स, बोल के देखिए, जहां यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है, दैट इज लैरिंग्स। इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, ठीक है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी मेल्स में ये बहुत अच्छे से डेवलप होता है, प्रोट्रूड आउट हो जाता है, बाहर की तरफ निकल आता है सी कट के फॉर्म में, तो इसको क्या बोलते हैं, एडम एप्पल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडम एप्पल भी बोलते हैं, ठीक है। ये साउंड बॉक्स कहलाता है, वॉइस बॉक्स कहलाता है, एडम एप्पल यहाँ पे प्रोट्रूड आ जाता है, और मेल्स के अंदर ये वॉइस का क्या अंदर भारीपन लेके आता है, आवाज पतली से मोटी हो जाती है, ठीक है। तो लैरिंग्स वो काम करता है, पैसेज आता है, और ये दोनों पार्ट, फेरिंग्स और लैरिंग्स, दोनों इसोफेगस का पार्ट बन जाते हैं। लैरिंग्स को फॉलो करता है ट्रैकिया, ट्रैकिया दैट इज अ पाइप, ये नीचे यहाँ पे आगे सी कट, सी कट पाइप जो है ये आपका ट्रैकिया कहलाता है। ट्रैकिया के अंदर ऐसे चूड़ीदार पाइप सी प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, एयर को फिल्टर करके नीचे की तरफ लेके जाती है, और वो कहाँ लेके जाती है, एयर को ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई, ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है, ये जो पाइप्स नजर आ रही है, इनको बोलते हैं ब्रोंकाई, दैट वन, ठीक है। ये जो पाइप आपको नजर आई, दैट इज ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आगे डिवाइड होती है ब्रांचेज में, उस ब्रांचेज को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स,
हम ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। आप यहाँ पे ध्यान से ये डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है, ब्रोंकाई, ये क्या है, ब्रोंकाई, और ये ब्रोंकाई इन ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, एक ब्रांच, दो ब्रांच एंड तीन ब्रांच, इन ब्रांचेस में डिवाइड को बोल क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स को आगे स्वेलिंग एक प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलर सैक प्रेजेंट होता है, इस तरीके के छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये पोर्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ये पोर्स किसके द्वारा घिरे होते हैं, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा घिरे होते हैं, और इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को रिस्पायर करता है और उस ऑक्सीजन को कैरी करता है जहां जहां जिस सेल में उनकी जुड़ता है। और ये ब्लड, ठीक है, सॉरी, ये एयर जो हम फिल्टर कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन, हमने जो पैसेज दिया, ये एयर हमारे लंग्स में पहुंचती है, और लंग्स में कैसे हम इसका यूज करते हैं जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से पैसेज की बात कर लेते हैं, पैसेज कैसे हुआ, एयर कैसे ट्रेवल करती है, जो ऑक्सीजन है हम उसको नेजल कैविटी के थ्रू या नेजल चैम्बर के थ्रू हम रिस्पायर करते हैं, ये हमारे जो सामने प्रेजेंट हो दैट इज नोस्ट्रिल, अपीयर ऑफ नोस्ट्रिल, ये क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, एयर को किस में जाते हैं, नेजल चैम्बर में जाती है, और नेजल चैम्बर से, यानी नेजल चैम्बर से कहाँ जाएगी, नेजल चैम्बर से फिल्टर होके फेरिंग्स में चली जाएगी, फेरिंग्स से कहाँ जाएगी, लैरिंग्स के अंदर जाएगी, और लैरिंग्स से कहाँ जाएगी, ट्रैकिया के अंदर जाएगी, और ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं ट्रैकिया को, ठीक है, और ट्रैकिया से कहाँ जाती है, हमारे जो लंग्स के अंदर ब्रोंकाई प्रेजेंट होती है उनके अंदर जाती है, ब्रोंकाई उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्रोंकियोल्स के अंदर, ब्रोंकियोल्स में एल्वियोलर एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलर सैक प्रेजेंट होते हैं, वो डिफ्यूज करते हैं ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर, और इसी का उल्टा पैसेज बन जाता है CO2 का बाहर निकलना, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही है हाई कंसंट्रेशन का ऑक्सीजन बाहर, तो उस समय मैंने रिस्पायर कर लिया ऑक्सीजन को, अब CO2 की जो कंसंट्रेशन है अंदर ज्यादा है, तो ब्लड में से CO2 को एब्जॉर्ब करता है एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक से एल्वियोलाई के अंदर आती है, एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल्स के अंदर, ब्रोंकियोल से पाइप्स जो ब्रोंकाई कहलाती है उनके अंदर आ जाता है, और ब्रोंकाई से कहां जाता है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से कहां चला जाता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से नेजल चैम्बर में, और नेजल चैम्बर से नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर एक्सपेल्ड कर देते हैं हम CO2 को, O2 इनटेक, CO2 आउट। तो अब लंग्स की बात करते हैं, लंग्स क्या, पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी बोलते हैं, जो चेस्ट कैविटी है वो किन किन से मिलकर बनती है, बस बोलिए जरा, नंबर वन रिब्स, बिल्कुल ठीक है, नंबर टू मसल्स, एंड नंबर थ्री डायफ्राम, इन तीन चीजों से मिलकर चेस्ट कैविटी बनती है, और ये क्या करती है, इनको प्रोटेक्ट करती है थोरेसिक कैविटी के अंदर, एक बैग लाइक अ पेयर ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं, ठीक है, इट इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, हमेशा लंग्स डबल मेम्ब्रेन से कवर होती है, और इनके अंदर क्या फील्ड होता है, फ्लूइड फील्ड होता है, जो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं जो फ्रिक्शन होगा, ठीक है, उसको रिड्यूस करता है, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा हमें सांस लेने में दिक्कत रहेगी, ठीक है, नंबर ऑफ सैक प्रेजेंट होते हैं लंग्स के अंदर, जो क्या करते हैं उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, और इन सैक को हम क्या बोलते हैं, इन सैक को हम बोलते हैं एल्वियोलाई, क्या बोलेंगे एल्वियोलाई, और ये कितनी होती है 1 बिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, और जो क्या इंक्रीज करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है नियर अबाउट 100 मीटर स्क्वायर, ओके, इतना सरफेस एरिया बढ़ा देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को हम इनटेक कर सके। फंक्शन क्या है लंग्स के, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट CO2, जैसे मैंने आपको पैसेज बताया, तो पैसेज क्या बताया आपको, नेजल, नेजल से किसमें आगे फेरिंग्स, फेरिंग्स से किसमें गए लैरिंग्स, लैरिंग्स से किसमें गए ट्रैकिया, ट्रैकिया से किसमें गए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से एल्वियोला, तो ये पैसेज के थ्रू एयर इनहेल हो रही है, और इसी पैसेज को अब उल्टा कर दो तो ये क्या हो रही है एक्सहेल, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे ब्रीथिंग साइकिल की, तो एक्सहेल हो जाएगी, और इनटेक क्या हो रही है O2, और बाहर क्या जा रही है CO2, ठीक है, CO2 की मात्रा बॉडी में ज्यादा है क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ, जब करते हैं तो CO2 प्रोड्यूस होती है और वो ब्लड में कैरी होती है, और ब्लड उसको कहाँ डिलीवर कर देता है, एल्वियोलाई में डिलीवर कर देता है, और ऑक्सीजन बाहर से हम लेते हैं और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है, प्यूरिफाई ब्लड बाय सप्लाइंग O2 एंड रिमूविंग CO2 फ्रॉम द ब्लड, तो दो फंक्शन होंगे, प्यूरिफाई करती है, इनहेल और एक्सहेल करती है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, अब जरा बात करेंगे हम ब्रीदिंग साइकिल की नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।